Is this better? Yeah? Okay. Miss Ma was introduced, but just to add an introduction, she's also the victim. So I will also be switching between. And then we finally go on to maybe talk briefly about PhD applications, but we're going to keep it really brief for you because I think most of you are undergrad students, and what next you'll be looking for is maybe a master's at best. So I'll keep that in mind. We might talk about references. So when you apply, sometimes you might also ask to provide some details of a reference. एक रेफरी कर दीजिए जो आपका आपको बेहतर समझते हैं या जो आपके टीचर रहे हैं या आपका पीयर रहे हैं. तो ये हमारे कुछ इंटरनेशनल कश्मीरी स्टूडेंट्स आए हुए हैं जिन्होंने ये ऑफ़र किया कि हम इनके साथ एक फ्री वर्कशॉप करेंगे बच्चों के साथ करियर काउंसलिंग का. तो मैंने इनको परमिशन दी, मैंने कहा आप आइए, हम ये तो अच्छी बात है, इट विल बेनिफिट अवर स्टूडेंट्स क्योंकि इनको पता चलेगा कि वर्ल्ड वाइड डिफरेंट स्कॉलरशिप्स जो हैं और जो कोर्सेज हैं वो किस तरीके से बच्चे एक्सेस कर सकते हैं अगर बच्चे रियली हार्ड वर्कर्स हैं और बाहर पढ़ना चाहते हैं. तो उनके लिए ये वाली काउंसलिंग जो है बहुत ही बेनिफिशियल होगी क्योंकि ये सारे बच्चे जो हैं कश्मीर से ही हैं एंड दे हैव वर्कड वेरी हार्ड एंड दे हैव गॉट दीज स्कॉलरशिप्स. इनमें एक हमारी बच्ची जो है उसको रोड स्कॉलरशिप मिली है जो बहुत ही वर्ल्ड वाइड फेमस और सबसे ज़्यादा पेड स्कॉलरशिप है. इसमें सबसे ज़्यादा पैसा पढ़ने के लिए मिलता है. तो इसमें ये मेन है कि पढ़ने के लिए पैसा कैसे हासिल किया जाए और एक अच्छी डिग्री एक अच्छी यूनिवर्सिटी से कैसे हासिल की जाए. तो मैं चाहती हूँ कि हमारे बच्चों तक भी ये पहुँचे, हमारे पांपो डिग्री कॉलेज के बच्चों तक भी ये डिसेमिनेट हो ताकि ये इस बारे में सोचें. और अगर इसमें से हमारे 10% बच्चे भी इस पर सोचते हैं और ये वाली स्कॉलरशिप्स और ये वाली डिग्रीज करके आते हैं तो ना सिर्फ उनके लिए ये बेनिफिशियल होगा बल्कि हमारे सोसाइटी के लिए भी, कश्मीरी सोसाइटी के लिए भी बहुत बेनिफिशियल होगा क्योंकि वो हाईली एजुकेट होकर वहाँ से आएंगे और विदाउट एनी अगर स्कॉलरशिप मिल गई तो किसी किस्म के पैसा इनका खर्च नहीं होता है, सारा एक्सपेंसिस जो है वो स्कॉलरशिप ही बर्दाश्त करती है. थैंक यू, शुक्रिया.